अहम तरीन अपडेट ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती कर दी गई हैं। पेट्रोल की कीमत में 2.07 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.40 रुपए कमी कर दी गई है। 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत में 3.57 रुपए कमी कर दी गई है। लाइट डीजल की कीमत में 1.03 रुपए कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 247.03 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के लिए नहीं आए। रजिस्ट्रार को खत भेज दिया, लिखा वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे, माजरत को इनकार ना समझा जाए, खत को केस की फाइल का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब का खत अदालत में पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब से बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त की, कहा जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे वरना बेंच की तश्कील असर न होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में समाअत कल होगी। तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज कमरा अदालत नंबर 3 में बेंच की सरबराही की। जस्टिस मुनीब अख्तर दीगर जजेस के साथ टी रूम में भी मौजूद थे। रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब को हुक्मनामे की कॉपी फराहम करें। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने यह भी कहा कि जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है, ऐसी किसी बात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता जो ओपन कोर्ट में ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर का तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाली प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर कमेटी के बनाए गए बेंच पर एतराज। आर्टिकल 63 नजरसानी के बेंच का हिस्सा बनने से माजरत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत में कहा कि जब तक फुल कोर्ट प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत पर फैसला नहीं करता वो बेंच में नहीं बैठ सकते। 5 रुकनी बेंच 23 सितम्बर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने खत में आईनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इनका जवाब न दिया। पहली कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अकलियत में थे। कमेटी की गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज के सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी। चीफ जस्टिस बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। जस्टिस मुनीब ने यह मौकफ भी अपनाया कि एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला जारी। फैसले के मुताबिक तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने तायुनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की। ये बलूचिस्तान के अवाम के साथ किस किस्म का इंसाफी है कि वो सिर्फ जो 400 मिलियन का लोन मैंने वर्ल्ड बैंक से लिया वो लोन वफाक ने अपना जेब में रखा डॉलर्स का, आपको रुपया दे रहे हैं और वो रुपया भी कह रहे हैं वो इस्तेमाल करेंगे और 2022 से लेके आज तक उन्होंने एक घर नहीं बनाया और वो चाह रहे हैं कि मैं यहाँ आके इस चीज़ का वाह वाह करूँ। विफाक की हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाला आलमी इमदादी फंड जेब में रख लिया। बिलावल भुट्टो का इल्ज़ाम, कहा वर्ल्ड बैंक से सैलाब मुतासरीन के लिए 400 मिलियन डॉलर्स फंड का बंदोबस्त उन्होंने बतौर वजीर खारिजा किया था। विफाक ने डॉलर्स जेब में रख लिए, बलूचिस्तान को रुपए दे रहे हैं उस पर भी इस्तेमाल अपने हाथ में रखा है, अभी तक एक घर बनाकर नहीं दिया। कोयटा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा बलूचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के माहदे की पहली शर्त सैलाब मुतासरीन की बहाली थी। लॉयर्स फोरम से खिताब में कहा कि इस मरतबा किसी धमकी में नहीं आएंगे, न सिर्फ आईनी अदालत बनाना बल्कि जजेस तकर्री के अमल में तब्दीली लाना भी जरूरी है। मालूम है आईनी तरमीम लाना मुश्किल है, पहले सिर्फ वकीलों की सियासत होती थी अब जजेस की सियासत भी होती है। ना सिर्फ आईनी अदालत बनाना जरूरी है, ना सिर्फ सूबाई सतह पे ये बाइफिकेशन जरूरी है, मगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस में तब्दीली ले आना जरूरी है, ना ब्लैक कोट ना ब्लैक रोब की धमकी में आना।
तोशाखाना केस टू में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज। मुलजमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्माइद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने दरखास्तों पर अडियाला जेल में समाअत की। दौरान समाअत एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजमान ने सऊदी हुकूमत से वसूल किया गया 7,15,00,000 रुपए मालियत का कीमती सेट तोशाखाना में जमा नहीं कराया। मुलजमान ने प्राइवेट फर्म से बुल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 58,00,000 रुपए लगवाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा कि एक तोशाखाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं। बुशरा बीबी 7 महीने से कैद हैं। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को खत्म होना चाहिए। सारा दिन खड़े हो गया, मैं लव यू करता हूं, फिर कहते हैं औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत ये मरियम नवाज रह गई है? ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जरा वो भी दिखाओ। ओ भाई, ये काम नहीं चलेगा। मैं वजीर आला हूँ सूबे का, जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंगे की चोट पर इस्तेमाल करूंगा, किसी का भी मुझे नहीं रोक सकता। हाँ, बाकी गाड़ियाँ मेरी, वर्कर मेरा, खाना मेरा, पेट्रोल मेरा, ट्रांसपोर्टेशन मेरी। अगर मैं बीआरटी की बसें लेके जाता ना, फिर आप कहते हैं वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को फिर निशाने पर ले लिया। औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम, कहा के पी में जलसे क्यों करूं? नवाज शरीफ जब सजा के बाद बैरूने मुल्क थे तो मरियम नवाज पंजाब में जलसे कर रही थी, हमने उन्हें नहीं रोका था। पीटीआई की खवातीन जेल में है, क्या वो औरत नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरियम नवाज ही रह गई है? पंजाब पुलिस को दोबारा वार्निंग देते हैं कि उन्हें रोका गया तो जवाब देंगे। एक सूबे के मुंतखब वजीर आला के रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, वो किसके वसाइल हैं? वो वजीर आला हैं, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, क्योंकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। ये बात चैलेंज कर रही हूँ, पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी। कोई मुझे पीटीआई का बंदा दिखाएं जो जख्मी हुआ हो। जख्मी कौन हुए? पुलिस वाले। 25 पुलिस वालों को जो है वो मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है, एक इवेंट नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो साबित करती है कि ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी से बाज नहीं आ सकते। हाथों में लैपटॉप होने चाहिए। उन सबको जो है आपने पेट्रोल पंप पे और पुलिस के साथ लड़ने पर लगा दिया, और फिर आप इसको जंग बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब, नो, ये नहीं हो सकता। और रियासत और उसके इदारे और उसके जिम्मेदारान को कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी है। वजीर आला टांग पर टांग रखकर बैठे हैं, सस्ती सी अदाकारी करते हैं। सूबाई वजीर इत्तला'आत अजमा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी जलसे में ना पहुंच सके। खिफत मिटाने के लिए पंजाब पुलिस पर गोलियां चलाने का इल्जाम लगाया। जलसे वाले दिन पुलिस के पास असलहा नहीं था। 25 पुलिस वाले जख्मी हुए, लेकिन पीटीआई का एक भी कारकुन जख्मी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के जिन बच्चों के हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, उनके हाथों में पेट्रोल पंप दे दिए हैं। सूबों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इदारों को नोटिस लेना चाहिए। खुद एहतसाबी के अमल से कोई गुजरने को तैयार नहीं है, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई नरमी करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आजकल बारी दे रहे हैं, हमने इनको पहले ही बता दिया था कि आपकी बारी आएगी, उन्हें नजर नहीं आ रहा था, और ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिकल वर्कर जो है वो इसका निशाना बनता है, गलती चंद लोग करते हैं और पूरी जमात फिर उसकी सजा भुगतती है। सियासी क़यादतों से मेरी शिकायत ये है कि वो कंसल्टेशन नहीं करते। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि ना कोई उन्हें दफन कर सका, ना वो किसी को दफन कर सकते हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातें बनाती है जिससे मुश्किलात पैदा होती हैं। सियासी जमातों ने कुछ नहीं सीखा, जो पार्टी आज रगड़ा खा रही है ये लोग भी इसी वजह से इस मोड़ पर खड़े हैं। नतीजा ये है कि हर सियासी जमात की बारी लग रही है। अदलिया के हालात भी मुतनाज़े हो गए, गलतियाँ सब ने की लेकिन कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं, कोई भी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरने को तैयार नहीं। मौजूदा हुकूमत चोरी शुदा इलेक्शन के तहत आई, क्या मुल्क में सिर्फ चंद लोगों को आइन में तरमीम और हुकूमत करने का हक है?
सरबरा आवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में सियासत गालम गलोच और इल्जाम तराशी का नाम है। आवाम की कोई बात नहीं करता, सिर्फ मफाद हासिल करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर संजानी जलसे में तकरीर की बुनियाद पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ज़ाब्ते फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत दरख्वास्त जमा कराएगी। इस सेक्शन के तहत मुकदमात नाकाबिले जमानत होते हैं, पुलिस को वारंट की जरूरत भी नहीं होगी। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने फैसले की तौसीक कर दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हफ्ते के रोज गिरफ्तार किए गए आजाद कश्मीर असेंबली के ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। ज़िम्मेदार ताहिर चार रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में नामजद चार बच्चे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए गए। 80 साल रोशन बीवी समेत 7 खवातीन को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस ने तहरीक इंसाफ कारकुनों को लियाकत बाग से एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया था। रावलपिंडी बानी पीटीआई से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अडियाला जेल में मुलाकात। आजम स्वाती, इंतजार पंजोथा, अलीमा खान, मिशाल यूसुफजई और सलमान सफदर ने मुलाकात की। नईम पंजोथा, बैरिस्टर शुएब शाहीन, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। आर्टिकल 63A तशरी के फैसले पर नजरसानी अपीलों की समाअत में बानी पीटीआई के वकील अली जफर का वकालतनामा मंजूर। अली जफर की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या नजरसानी में फुल कोर्ट बनाने का कानून मौजूद है? अली जफर ने कहा, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, थैंक यू वेरी मच। अली जफर और चीफ जस्टिस के मुकालमे पर अदालत में कहकहे। लापता अफराद से मुतालिक केस में पिशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, जमानत मंसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, इस तरह बंदों को इगवा ना करें। अदालती अहकाम पर कोई समझौता नहीं करेंगे, मजबूरन न पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। ड्यूटी सबकी है, लेकिन कानून के मुताबिक CTD और पुलिस सबको बिठा कर मामले को देखें। वजीर आला KP ने कहा कि वो खुद इस तरह के मामलों के मुखालिफ हैं, फोकल पर्सन दे दें, एडवोकेट जनरल के साथ मिलकर कानून साजी करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ने साबिक डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम के अपनी तहवील में होने की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीरी बयान जमा करवा दिया। अदालत ने कहा, मोहम्मद अकरम ने बाजियाबी पर यह बयान दिया, वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हल्फी भी अदालत में जमा करवाए। मोहम्मद अकरम की फैमिली सरकारी रिहाइशगाह खाली कराने पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब। वकील ईमान मजारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो मोहम्मद अकरम के घर वापस आने की खबरों की तरदीद करती हैं। जो जंग मेहनत कशों तक आ गई है उसे तर्क कर दें, खून की होली खेलकर कैसे बलोच की खिदमत कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज टूटी की बलोच तलबा के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है, झूठे प्रोपेगेंडे से नौजवानों को बरगला कर कैंपस में ले जाया जा रहा है ताकि खुद कुछ धमाके पर तैयार किया जा सके। पंजगूर वाकई की जितनी मजम्मत की जाए कम है, मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। पंजगोर में दहशतगर्दों के हमले में मारे गए 7 अफराद में 14 साल का सलमान भी शामिल। बढ़ते अखराजात पूरे करने के लिए फयाज इकलौते बेटे को भी साथ मजदूरी पर ले गया था। माँ और 5 बहनें बेसहारा हो गईं। मकतूल रमजान अपनी नाबीना माँ और 3 बच्चों का वाहिद कफील था। पंजगोर वाकये में शुजाबाद के 7 अफराद की मौत से कई खानदान तबाह हो गए, घरों में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। सीनियर सियासतदान सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि भारत और इसराइल में गैर ऐलानिया इतिहाद बन गया है। 1998 में इसराइल पाकिस्तान के एटमी तनसीबात पर हमला करना चाहता था। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, साबिक आर्मी चीफ की नस्बत मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मसले कश्मीर और मसले फलस्तीन पर अवामी जज्बात की तर्जुमानी करते हैं।
इसराइल का लबनान में जमीनी ऑपरेशन का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक लबनान में बहुत जल्द महदूद जमीनी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इसराइल ने अमरीका को आगाह कर दिया। लबनान में इसराइली फजाई हमले जारी। हम्मास रहनुमा फतह शरीफ अबुल अमीन, फलस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमाओं और लबनानी फौजी समेत 60 से ज्यादा लबनानी शहरी शहीद। हिजबुल्ला सरबराह हसन नसरुल्ला की शहादत के बाद नायब सरबराह नईम कासिम का पहला खिताब। हसन नसरुल्ला का मिशन जारी रखने का ऐलान। कहा इसराइल से जमीनी और तवील जंग के लिए तैयार हैं। लबनान के कायम-ए-क़ाम वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती का फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। दरियाए लेतानी के जनूब में फौज की तैनाती का कह दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरानी आवाम को पैगाम। कहा मशरिक़ वुस्ता में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इसराइल पहुँच ना सकता हो। ईरानी हुक्मरानों को आवाम की परवाह नहीं, लेकिन इसराइल ईरानी लोगों के साथ है। बहुत जल्द ईरान और इसराइल में अमन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना है तो खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा, तसलसल कायम रखना होगा। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो शुरुआत अच्छी कर रहे हैं। फास्ट बॉलर्स को हमेशा सुपर फिट होना होता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद ने कहा कि उन्हें कप्तानी का डर नहीं, अच्छा करेंगे तो रहेंगे, अगर अच्छा ना कर सके तो सजा मिलेगी। रिजवान के बाद अगर कोई विकेट कीपर है तो वो सरफराज है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन टिकट आज से फरोख्त होंगे, जबकि काउंटर टिकट की फरोख्त 4 अक्टूबर से शुरू होगी। तीनों टेस्ट मैचेस के पहले दिन मखसूस एनक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर, दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर और तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। मौसीकी की कोई सरहद नहीं। भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ भारत और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बतों के सफीर बन गए। बरतानिया में परफॉर्मेंस के दौरान दिलजीत ने एक पाकिस्तानी मद्दाह को तोहफा दिया। कहा उनके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हैं, पंजाबियों के दिल में सबके लिए प्यार है। दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर मद्दाह खुश। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। आज दिलचस्प मुकालमों से भरपूर पाकिस्तानी थिएटर प्ले कराची का बिच्छू पेश किया गया। इस हफ्ते बैन-उल-अक़वामी थिएटर प्ले, म्यूजिक कॉन्सर्ट और कवाली भी पेश की जाएगी। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इनकम टैक्स के उशवारे जमा कराने का गैर मामूली रश। एफबीआर का आईरिस पोर्टल सुस्त रवि का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन तौसी का इम्कान। ज़राए एफबीआर के मुताबिक अब तक 35 लाख से ज्यादा अफराद टैक्स गोशवारे जमा करा चुके। ये तादाद पिछले साल से दुगनी से ज्यादा है। ज़राए एफबीआर का कहना है कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके के टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल हो रहे हैं। हैवी डेटा या बड़ी फाइल वाले इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग में लोगों को मुश्किल का सामना है। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स जमा हो चुका है। मुल्क में 77 साल से छोटे कारोबार करने वालों को अहमियत नहीं दी गई। आम आदमी के मसाइल हल ना किए तो पाकिस्तान की मईशत तरक्की नहीं कर सकती। गवर्नर सैन कामरान तिसोरी की कराची के इलाके लियाकताबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा लियाकताबाद में बिजली नहीं, ट्रैफिक और पार्किंग का मसला है। मुकामी एमपी अपनी निगरानी में ट्रैफिक का मसला हल कराए। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुस्तहिक और होनहार तलबा की मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। आला तालीम के लिए जहीन तलबा की माली रुकावटों को खत्म करेगा। प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन्स में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। कारसाज हादसा केस की मुलजिमा की इंसदाद मुनशियात के मुकदमे में जमानत मंजूर। सिंध हाईकोर्ट का 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। इससे पहले मुकामी अदालत ट्रैफिक हादसा केस में फरीकैन के दरमियान मामला तय पाने पर मुलजिमा की जमानत मंजूर कर चुकी है। 20 अगस्त को कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जाम भाग हुए थे। डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल केस में सिंध हाईकोर्ट मीरपुर खास बेंच का एफआईआर में नामजद पुलिस अफसरान के नाम ईसीएल में डालने और तमाम मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म। मजीद समाज 7 अक्टूबर तक मुलतवी। महकमा दाखिला सिंध की दरखास्त पर मीरपुर खास वाकये में पुलिस अफसरान समेत 24 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं। 18 सितंबर की रात सिंधुड़ी पुलिस ने मुबैना मुकाबले में उमरकोट के रिहायशी डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत का दावा किया था।
अजमा बुखारी फेक वीडियो केस में FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्विटर और फेसबुक की लीगल हैसियत पर भी दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने DG FIA से पूछा कि आपके अफसर उस नामचे में इंदराज क्यों नहीं करते। DG FIA ने जवाब दिया कि साइबर क्राइम में लोग डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं, आप ये बातें बता रहे हैं। DG FIA बोले कि हमें मोहलत दी जाए, हम इस केस को मिसाली बनाएंगे। अदालत की आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ धरना दिए जाने पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज। 9 मकामी रहनुमा नामजद। FIR के मुताबिक रोड ब्लॉक होने के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब हुकूमत पार्लिमानी सेक्रेटरीज और सरकारी अफसरान के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदेगी। ज़राए के मुताबिक 61,24,00,000 रुपये से जायद रकम खर्च करके 76 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 22 करोड़ रुपए मालियत की 29 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अफसरान के लिए 9,96,00,000 रुपए में 15 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 3,61,00,000 रुपए की 2 गाड़ियां प्रोटोकॉल के लिए अलग से खरीदी जाएंगी। सूबाई बुजरा के प्रोटोकॉल के लिए 20,90,00,000 रुपये से 30 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। कल से LPG का घरेलू सिलेंडर 86.28 रुपये महंगा कर दिया गया। LPG की फी किलो कीमत में 7.31 रुपये का इजाफा, नई कीमत 251.30 रुपये फी किलो। इंटरनेट पर बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात गिनवाने वाले पाकिस्तानियों की शरह आलमी सतह से कम। आलमी सतह पर 12%। पाकिस्तान में 2% ने अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात हैक होने और उनके गलत इस्तेमाल का शिकवा किया। अलबत्तः 98% ने हैकर से महफूज होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 3% पाकिस्तानियों ने ईमेल अकाउंट हैक होने की भी शिकायत की। आलमी सतह पर 13% ने ईमेल अकाउंट हैक होने का बताया और इस पर परेशानी का इजहार किया। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान हेलेन की तबाह कारियां। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में अमवात की तादाद 93 हो गई। तूफान के बायस कई सड़कें पुल तबाह, लाखों सार्फीन बिजली से महरूम। तूफान से होने वाले नुकसान का तखमीना $100 अरब से जायद लगाया जा रहा है। तूफान हेलेन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से जुमेरात को टकराया। और कराची में आर्टिस्ट सैफी सुमरो को 7 साल बाद उनकी पेंटिंग वापस मिल गई। सीनियर डायरेक्टर KMC कल्चर एंड स्पोर्ट्स ने पेंटिंग सैफी सुमरो के हवाले की। कहा, फ्रेयर हॉल से पेंटिंग चोरी से मुतालिक खबर मन खड़क थी। 2017 से हमने उनकी पेंटिंग को महफूज रखा था। मुसव्विर सैफी सुमरो के मुताबिक 2017 में नुमाइश के बाद उन्होंने राबता किया तो बताया गया कि पेंटिंग चोरी हो गई है।